नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एल के ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ तिल के तेल बारे में। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि तिल का तेल जो है 99.9% लोग जो है ये नहीं जानते हैं कि तिल के तेल को बालों में लगाने का सही तरीका क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तिल के तेल को हम सही तरीके से कैसे बालों में लगा सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, जिन लोगों ने एल के ऑल इन वन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों मैं बताती हूँ आपको कि कैसे तिल का तेल जो है सही तरीके से हम लगा सकते हैं अपने सिर पर, ताकि हमें जो है दुगना तिगना फ़ायदा मिले। दोस्तों तिल का तेल जो है वो तो बहुत फ़ायदेमंद है, पर अगर उसका फ़ायदा जो है दुगना तिगना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हैं वो अगर हम उसमें मिलाते हैं उसको तिल के तेल में, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है चेंज नज़र आएगा अपने बालों में। आइए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों तिल के तेल को बालों पर लगाने का तरीका जो है, सबसे पहले आप अगर चाहते हैं कि आपको पूरा फ़ायदा मिले तो आपने तिल का तेल जो है अकेले नहीं लगाना है, आपने तिल के तेल में जो है मिक्स कर लेना है बादाम के तेल को। जी हाँ दोस्तों, 2 चम्मच आप तिल का तेल ले लीजिए, 2 चम्मच आपने बादाम का तेल ले लेना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने फिंगर टिप्स के साथ जो है बालों की जड़ों पर अच्छे से 10-15 मिनट जो है मसाज कीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों जब आपने मसाज कर ली अपने बालों की जड़ों की और आपने पूरे बालों पर ये तेल लगा लेना है, उसके बाद आपने एक टावल लेना है, उसे गर्म पानी में आपने डिप कर देना है, फिर अच्छे से निचोड़ के अपने जो सर पर है उसे बांध लीजिए। आधा घंटा इसको रहने दीजिए। आधे घंटे के बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपना सर जो है धो सकते हैं। माइल्ड शैम्पू का आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ माइल्ड शैम्पू का मतलब है कि वो शैम्पू इस्तेमाल कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हों। और ये जो है, ये जो आपने उपाय करना है, ये आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। और दोस्तों लगातार 1-2 हफ्ते करके देखिए, वैसे तो आपको पहले हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे अपने बालों में, आपके बाल लंबे, काले और बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों, आपने तिल के तेल का कैसे इस्तेमाल करना है, आपने उसमें मेथी दाना मिला लेना है। आपको चाहिए क्या इसमें, 2 बड़े चम्मच आपको चाहिए तिल का तेल, 2 छोटे चम्मच आपको चाहिए मेथी दाना, या आप कह लीजिए कि अगर आप ले रहे हैं 20 ml तिल का तेल तो आपने 10 ग्राम जो है मेथी दाना ले लेना है। आपने इन दोनों को मिक्स करके एक शीशे के जार में रख लेना है। फिर दोस्तों एक बड़ा बर्तन लीजिए, खुले मुंह वाला, उसमें जो ये शीशे का जार आपने लिया है जिसमें आपने तिल का तेल और वो डाला है, और एक बात ख्याल रखिए दोस्तों, जो खुले मुंह वाला जार आप बर्तन आपने लेना है उसमें गर्म गर्म पानी आपने डाल देना है। फिर आपने ये जो शीशे की बॉटल है जिसमें आपने मेथी दाना और तिल का तेल डाला है उसे रख दीजिए जितनी देर तक वो गर्म ना हो जाए। जब तेल गर्म हो गया उसको निकाल लीजिए और उसे ठंडा होने दीजिए, और जैसे ही वो तेल गुनगुना हो जाएगा आपने अपने फिंगर टिप्स के साथ अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाना है, पूरे बालों पर लगाना है। वही प्रोसीजर है फिर से, बालों पर लगाकर आपने एक टावल जो है अच्छे से गर्म पानी में भिगोकर निचोड़कर अपने सर पर बांध लेना है। आधे घंटे के लिए टावल बांधिए, उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ आपने अपने बाल जो है धो लेने हैं। ये जो रेमेडी है दोस्तों, ये भी आप जो है हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं, और करके देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आएंगे अपने बालों में। अगला उपाय जो है दोस्तों वो है तिल का तेल और नारियल का तेल। इसमें आपने 2 चम्मच तिल का तेल लेना है, 2 चम्मच आपने नारियल का तेल लेना है, एक ही जैसी क्वांटिटी लेनी है दोनों की। फिर वही मिक्स कीजिए, अपनी फिंगर टिप्स के साथ अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाइए। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के लिए मसाज कीजिए। पूरे बालों पर लगाने के बाद आपने एक टावल गर्म पानी में डिप किया हुआ अच्छे से निचोड़ कर अपने बालों पर आपने बांध लेना है। आधे घंटे के बाद आपने सिर धो लेना है किसी माइल्ड शैम्पू के साथ। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो रेमेडी है ये भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आएंगे, लंबे, काले, घने हो जाएंगे आपके बाल, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे, रूखापन जो है दूर हो जाएगा आपके बालों का। चौथा उपाय है दोस्तों, तिल के तेल में आपने मिक्स करने हैं कड़ी पत्ती। इसमें आपको चाहिए 3 बड़े चम्मच तिल का तेल और 15 से 20 जो है पत्तियां चाहिए आपको कड़ी पत्ते की।
आपने ये जो 3 चम्मच तेल का तेल है इसको आपने गरम करना है। गरम करते करते आपने इसमें कड़ी पत्ते डाल देने हैं, और तब तक आपने इसको गरम करते रहना है जब तक ये जो कड़ी पत्ते हैं काले होने ना शुरू हो जाएं। जैसे ये काले हो जाएंगे आपने गैस बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने दीजिए। जैसे ये ठंडा हो जाएगा फिर अपनी फिंगर टिप्स के साथ मसाज कीजिए अच्छे से 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने एक गर्म पानी में भीगा हुआ टॉवल निचोड़ कर अपने सर पर बांध लेना है। आधा घंटा इसको बांध दिए फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ आप अपना सर जो है धो सकते हैं। ये रेमेडी भी दोस्तों आप 2 से 3 बार कर सकते हैं हफ्ते में, बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आएंगे। और दोस्तों अगर आपके बाल काले घने लंबे मुलायम होंगे, रूखापन नहीं होगा आपके बालों में, तो जो आपकी ब्यूटी है जो आपकी सुंदरता है उसको 4 चांद लग जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे काले घने रहें तो ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं ज़रूर इनको यूज़ कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि तिल के तेल के बारे में तो सबको पता है पर वो चीज़ें अगर हम तिल के तेल में कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं तो उसका फ़ायदा जो है दुगना तिगना हो जाता है। और हाँ दोस्तों, LK ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी बेहतर जानकारी के लिए देखते रहिए LK ऑल इन वन चैनल। स्वस्थ रहें, खुश रहें।